वैक्सीन देंगे, लेकिन वैक्सीन सप्लाई करना जरूरी है, इसको रेट ठीक करना जरूरी है, कम पैसा में देना जरूरी है। ये जनता को जिंदगी और मौत का सवाल है। एक काम पहले इंडिया गवर्नमेंट करो, हम पैसा देके खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा माथा माट का तो क्यों आप इतना पैसा लेगा? ऐसे तो वैक्सीन नहीं दिया, लोगों को कोविड बढ़ा दिया, 6 महीने तक बैठ के रहा और खाली बंगाल में आके बंगाल को लूट करना है। बांग्ला को तो कखनो अपनी दखल करते পারবেন না, বাংলা বাংলা থাকবে। অত সস্তা নয়, একটা দুটো কেন্দ্র সেন্ট্রাল পুলিশকে নিয়ে আপনি লিক করতে পারেন। আমি তো আজও শুনেছি সেন্ট্রাল পুলিশ গুলি চালিয়েছে অশোকনগরে। আমার কাছে খবর এসেছে, আমি বাইরে বাইরে ছিলাম, আমার কাছে মেসেজ এসেছে যে গুলি চালিয়েছে। সেন্ট্রাল ফোর্স কো লেকে ইলেকশন করাবে, সেন্ট্রাল ফোর্স কে আমি কেনে যাওঁগি। आप लोग दास धर्म पालन कीजिए, शांति से काम लीजिए। अगर आप लोग भी गोली लाठी चलाते हैं तो हम भी एफआईआर करेंगे। हम भी पॉलिटिकल एक्शन नहीं, हम लीगल एक्शन लेंगे आपको खिलाफ में। आज के मालदा एक मीटिंग गेছিলাম, দেখছি ভিড় বেশি হয়ে গেছে, তো পেটাচ্ছে লাঠি দিয়ে। আমরা লাঠি বন্ধ করো, नहीं मैंने बोल दिया कि लाठी चलाना बंद करो, डंडा चलाने से सब कुछ नहीं होता। तो इसी के लिए हम कहने चाहूंगी कि आसानसोल में भोट देवें तो मनोय के हमार साउनी আছে দক্ষিণে ভোট দিতে হবে, কিন্তু আমার হরিরামপুর আমার হেতে আছে, রানীগঞ্জে আছে, জামুরিয়ায় আছে, আমার ওটা কি বলো মে হ্যায় কোই ঝগড়া নেই হ্যায়, বরাবর সব আমি এক সাথে কাম করতে হ্যায়। ওদিন প্রাইম মিনিস্টার আকে বহুত উল্টা সিধা কাহে কে গিয়া হ্যায় और दंगा का बात भी किया है वो प्रोवोकेशन करने के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर को शोभा नहीं देता और होम मिनिस्टर को भी शोभा नहीं देता। पहले टाइम एक दंगा हुआ था, लेकिन इमाम का बेटा मर गया था, इमाम ने क्या बोला कि हमारा बेटा गया गया, लेकिन और कोई दंगा नहीं होना चाहिए, और कोई बेटा को नहीं जाना चाहिए। ये बात कहा था कि नहीं कहा था? आसानसोल वासी का पता है। और आज शर्म लगता है प्राइम मिनिस्टर को बात सुन के, जो सब खबर नहीं रखता है। वैक्सीन नहीं दिया, इसी के लिए कोविड बढ़ गया। अब देखो कोविड 6 महीने में नहीं था, ऑक्सीजन का प्लान उसको हाथ में है। चीफ मिनिस्टर के साथ इतना मीटिंग किया पहले, लेकिन कभी नहीं बोला कि ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सरचार्ज करने के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। अभी देखो वैक्सीन क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदता तो बोलता है 150 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट खरीदेगा तो 400 रुपया और प्राइवेट खरीदेगा तो 600 रुपया। क्यों ऐसा क्यों होगा? हम आज प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहा है कि क्या है, आप कहते हैं वन पार्टी वन नेशन वन लीडर और देश में वन वैक्सीन और मेनी प्राइस, क्यों होगा? एक वैक्सीन का इतना दाम क्यों होगा? जब गरीब लोग हो क्या मर जाएगा, धनवान खा जाना मरेगा, कानून हिफाजत करेगा और मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होगा। यही हो गया नरेंद्र मोदी का जमाना में यही काम। तो इसी के लिए हम भी कहने चाहूंगी सार पड़ोसी को तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतिल में है। সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি ক্লিক করুন। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।